ग्राइंडर मशीन है जो कि बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, ड्रिल मशीन है जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, यहाँ मिलिंग मशीन है जो कि बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको 6 फीट की लेथ मशीन मिल जाती है, बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है, सारे गियर वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ओके की रिपोर्ट है। ये आपको सरफेस ग्राइंडर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक आपको देखने को मिल जाएगा वेल्डिंग मशीन। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है पाइप बेंडिंग मशीन, जो कि बिल्कुल नई इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है, खुद बनाते हैं। इसके साथ साथ इसके आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा चैन पुल्ली 5 टन की। इसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएंगे जो भी टूल रूम से रिलेटिव हैं, सारे टूल इंस्ट्रूमेंट आपको इनके साथ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ बफिंग ग्राइंडर देखने को मिल जाता है और भी बहुत सारे सामान। तो चलिए प्राइस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अगर हमें ये सारी मशीनें एक साथ उठाते हैं तो आपको क्या लगता है कितने प्राइस में आप इसे बेचने वाले होंगे? हेलो टूल रूम फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। सो गाइस, आज हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर आ चुके हैं जहाँ पर ये मशीनें सारी बिकनी थी। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के एक बताया हुआ था कि जैसे काफ़ी सारी मशीनें हैं यहाँ पर, पूरा पूरा एक टूल रूम है, पूरा पूरा टूल रूम ही सेल होने वाला है। मैं एक एक करके आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सी मशीनें हैं, कैसे हैं, कैसी बिकेंगे, कैसी कंडीशन है। ऑलमोस्ट आपको काफ़ी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी और आप एक साथ ही सारी मशीनों को उठा सकते हैं और एक ही साथ मशीनें उठाने के बाद अपना टूल रूम सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया होगा। मैं एक एक कर मशीनों की सारी जानकारी आप लोग शेयर कर देता हूँ। तो भाई हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं ये जो हमें पूरी जानकारी देंगे। क्या नाम है भैया आपका? सर अनिल चौहान। ठीक है, अभी ये हमें पूरी जानकारी देंगे, एक एक मशीनों के बारे में बता देंगे। तो ये मशीन कौन सी सर? सर वो मिलिंग मशीन है। मिलिंग मशीन है जी जी। तो इसमें मतलब ओवरऑल सारा फंक्शन काम कर रहा है, मशीन जो है रनिंग स्थिति में है सर। अच्छा, इसमें चला कर आप देख भी सकते हैं, देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे पर ही इसमें एक भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, रनिंग स्थिति में है पूरी मशीन। इनका कहने का मतलब है मशीन पूरी रनिंग कंडीशन में, इन्होंने अभी चला के भी दिखाया था और आप यहाँ देख सकते हैं कटर लगा रखा है, इन्होंने कटर लगा रखा, पूरा बेड वगैरह इनका अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ ओके की रिपोर्ट में है। यहाँ पूरी पूरी मशीन रनिंग कंडीशन में है। ये इनकी मिलिंग मशीन है जो कि आप देख सकते हैं GMT की है, देख सकते हैं GMT की मशीन है, बिल्कुल मशीन ओके कंडीशन में है, पुरानी है लेकिन बढ़िया कंडीशन में, सारे इसके स्लाइड वगैरह सब कुछ सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी मशीन हो गई। अब इसके आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं लेथ मशीन के बारे में, जो कि लेथ मशीन आपकी इधर है। तो लेथ मशीन के बारे में आप थोड़ा बताइए, कौन सी लेथ मशीन है आपकी? सर ये लेथ मशीन दिल्ली वाली है, इसमें ये अभी रनिंग स्थिति में है, इसमें चला कर देख लीजिए आप सामने है, इसको स्लाइड वाइज को भी कोई भी दिक्कत नहीं आए इसमें। अच्छा, फिनिशिंग एकदम बेटर देती है, चाबी काटे इसमें चूड़ी काटे या कुछ भी काटे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये 6 फीट की लेथ मशीन है जो कि आप देख सकते हैं दिल्ली की मशीन है, मशीन बिल्कुल ओके की कंडीशन में। अभी जो बता रहे हैं भाई साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि थ्रेडिंग वगैरह आपको कुछ भी करना है आप सारा काम कर सकते हैं, मतलब मशीन बिल्कुल ओके कंडीशन में, ये नहीं है कि आप इसे चूड़ी नहीं काट सकते, कोई गियर ख़राब है, XYZ सारा कुछ बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ देखिए आप, ये सारा कुछ है। अच्छा, इसका फीड वगैरह सब कुछ चल रहा है? सही है, सब कुछ रनिंग कंडीशन में। अच्छा जी, और एक बार चलाना ज़रा मशीन को, मशीन देख सकते हैं मशीन बिल्कुल ओके कंडीशन में चल रही है और आपके मतलब पूरी पूरी मशीन बिल्कुल ओके रनिंग कंडीशन में, सबसे अच्छी बात तो ये है। चलो अब अगली मशीन इनकी और देख लेते हैं हम, क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ड्रिल मशीन देख लेते हैं। ये ड्रिल मशीन है आपकी, ये ड्रिल मशीन देख लीजिए। ड्रिल मशीन कौन सी कंपनी की है? सर जोमेटो कंपनी की है। अच्छा जी जी जी। कितना टाइम है? तो बिल्कुल नई सी लग रही है। हाँ सर, इसे अभी 8 महीने हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल नई लग रही है। ये ड्रिल मशीन है जो कि 1 इंच की है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया एकदम यार ओके कंडीशन की ड्रिल मशीन है, क्योंकि ड्रिल मशीन तो बिल्कुल अभी नई है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ पर देखिए बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, तो मस्त सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं बिल्कुल मशीन मतलब कहने का मतलब बिल्कुल नई है, न्यू कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है, ओके की रिपोर्ट की मशीन है। अगर आप इसको भी लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पूरा पूरा सेट के साथ उठाइए, ड्रिल मशीन बिल्कुल नई मिल जाएगी, अपना काम स्टार्ट करिए, सारा सारा बिल्कुल नया मशीन है और इसमें आप छोटे बड़े काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हो, बड़ी हैवी मशीन है, कहने का मतलब ये है। चलिए अब देख लेते हैं इनके सरफेस ग्राइंडर की तरफ चलते हैं। सरफेस ग्राइंडर आपका ये है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सरफेस ग्राइंडर आपकी कौन सी कंपनी की है? ये सरफेस ग्राइंडर इनके देख सकते हैं ग्रैंडीवाल इंडस्ट्री कंपनी की है, जो कि ठीक ठाक कंडीशन में लग रहा है अभी तो। इसमें कोई दिक्कत है वैसे आपको लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं, इसमें चालू करके भी दिखा दे रहे हैं आपको। चालू करने के बाद देखो मशीन तो चालू कर दी गई है, मशीन वैसे सही लग रही है। अच्छा, ये आवाज़ ज़्यादा किस बात की आ रही है? ये सरफेस ग्राइंडर है जो कि आप देख सकते हैं इनका बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है, मतलब ओके की कंडीशन में, अभी चालू कंडीशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनमें कुछ खराब हुआ हुआ अभी ना चल रही हो या ऐसा कुछ, बाकी ये काम बढ़िया हो जाता है, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ सही दे रहा है भैया?
सरफेस ग्राइंडर भी आपके देख सकते हैं रनिंग कंडीशन में है पुराना, लेकिन आप देख सकते हैं वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई इनके सरफेस ग्राइंडर की, अब बात कर लेते हैं जो कि है, अब बात कर लेते हैं हम लोग वेल्डिंग मशीन की, जो कि वेल्डिंग मशीन नई मशीन है, अभी इन्होंने रिसेंटली जल्दी में ली हुई है मशीन। आप देख सकते हैं 450 एम्पीयर की है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट की है मशीन। आप मशीन यहाँ पे देख सकते हैं, मशीन बिल्कुल ओके की रिपोर्ट की है ना, एकदम पूरी। अभी कितना टाइम हुआ होगा मशीन को लिए हुए? अच्छा 7-8 महीना हुआ अभी मशीन को लिए हुए, मशीन बिल्कुल ओके की रिपोर्ट की है। अगर आप चाहें तो मशीन को देख सकते हैं, मशीन में उसे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई इशू नहीं है। एक बफिंग ग्राइंडर है जो कि भैया अभी दिखा दे रहे हैं, अभी नया बफिंग ग्राइंडर है, अभी रिसेंटली इन्होंने बफिंग ग्राइंडर भी मुझे लग रहा है लिया हुआ था, नहीं चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मशीन दिखा दिया आपने, मशीन बिल्कुल नई है, जो कि आप लोग मशीन यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो मशीन, देखो TCK कंपनी की मशीन है जो कि बिल्कुल अभी नई है, आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नई मशीन है जो कि इनकी बफिंग ग्राइंडर मशीन है, यहाँ पर आप देख सकेंगे काफ़ी अच्छी मशीन है। अब बात कर लेते हैं टूल ग्राइंडर के ऊपर, एक बार इनका टूल ग्राइंडर दिखाना है, टूल ग्राइंडर बिल्कुल नया कंडीशन में है, यहाँ देखिए, मतलब ये क्या हुआ, काफ़ी सारे पार्ट, काफ़ी सारे इन्होंने आइटम जो भी यहाँ पर मशीनें वगैरह उठाई थी, बिल्कुल नया मशीन वगैरह उठाई थी, ये नई मशीन है जो कि आप इसे धूल मिट्टी वगैरह लगे अगर इनको हम साफ़ कर दें तो बिल्कुल नई मशीन है। और यहाँ पर देखोगे तो आवाज़ बिल्कुल आवाज़ नहीं हो रही, जीरो नॉइज़, अगर मैं यहाँ पर आवाज़ सुनाने की कोशिश करूँ तो आवाज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नया मशीन है इसलिए आवाज़ ज़्यादा कहाँ से होगी, आवाज़ वाज नहीं है, बिल्कुल बढ़िया मशीन है। अभी बात कर लेते हैं, एक चैन पुल्ली की बात हो रही थी, एक बार चैन पुल्ली भी दिखा लो, बाकी इंस्ट्रूमेंट दिखा देते हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ही ली है। तो यहाँ पर है चैन पुल्ली जो आप देख सकते हैं, 5 टन की चैन पुल्ली है, अभी ये भी चैन पुल्ली मुझे लग रहा नई है, क्या चैन पुल्ली भी नई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही आपकी 5 टन की चैन पुल्ली, 5 टन की चैन पुल्ली है। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि अब जब वर्कशॉप रनिंग कंडीशन में है तो सारे टूल मिल ही जाएंगे आपको, जैसे जैसे रिंच पाना हो गया, चाबी हो गया, प्लास पेचकस हो गया, इसके साथ साथ काफ़ी सारे आपको टूल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए सारे टूल्स मिल जाएंगे आपको, ये सारे टूल्स मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ कटिंग टूल वगैरह आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारा, इधर दिखाना ज़रा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे टूल मिल जाएंगे आपको। तो ये बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट है जो डेली यूज में आते हैं वो सारा कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ रनिंग कंडीशन में, अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काम कर ही रहे थे लोग, इंटरनली कुछ प्रॉब्लम होने के बाद सब इसको बंद कर रहे हैं। और इनका एक सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है जो मैं आप लोग दिखाना चाहूँगा, जो आप लोग देखना चाहेंगे, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे MCB वगैरह मिल जाएंगी, जितनी वायर हैं उस तो इसके साथ साथ में आपको मिली जाएंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट अब बात करते हैं बेंडिंग मशीन की, जो कि हमने वीडियो में बात किया हुआ था, ये है बेंडिंग मशीन जो कि खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनकी बनाई हुई बेंडिंग मशीन है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार इसको बेंडिंग करके आप लोगों दिखाने के लिए, एक बार इसको चालू करके बेंडिंग करके दिखाना जरा, एक बार देखें सही कैसे बेंडिंग होती है। पाइप बेंडिंग की मशीन है, यहाँ पर इन्होंने पाइप लगा दिया है, अच्छा ये 22 है, यहाँ से टाइट हो गया ये, अच्छा यहाँ से, अच्छा ठीक है, ये देखो ये ऑटोमेटिक मशीन है, ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ पे सेट कर दिया गया, ये ऑटोमेटिक अपने आप घूम के आया और यहाँ पीस बैंड हो गया। 22 खोलने एक बार, और यहाँ से आप खोल के 22 खोल के इस तरीके से निकालेंगे, यानी कि इसमें हमें नहीं था हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं थी, कोई कैम सिस्टम नहीं, बिल्कुल आसानी से मशीन के थ्रू यहाँ पर बैंड हो गया, जो कि इनका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इन्होंने यही मैन्युफैक्चरिंग किया है, काफ़ी सारी मशीनें उन्होंने बेची भी है जो बनाते भी यही थे। अगर आप लोग मशीनों को और भी लेना चाहें तो आप इनसे और भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पाइप आप यहाँ पर बेंडिंग कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो। तो ये देखिए मशीन, यहाँ पर देखिए पाइप आपको कुछ इस तरीके से बेंड हो चुका है, जिस डाई का पाइप होगा आप यहाँ पे डाई को चेंज करके उसकी प्रोफाइल को बेंड कर सकते हो, चाहे जिस भी प्रोफाइल में आपको बेंड करना हुआ, ये ऑटोमेटिक हम सेट कर सकते हैं ना, कितना डिस्टेंस मुड़ना है इसको, आप जितना चाहें उतना डिस्टेंस, जितना एंगल चाहें उतना एंगल मोड़ सकते हैं, 90 डिग्री मोड़ा है, ये आप 95 मोड़े या 80 मोड़े, इनका कहने का मतलब बिल्कुल सही है कि भाई अगर आपको कितने भी डाई का हो आप यहाँ पे डाई को चेंज करो, कितनी भी दूरी में मोड़ना हुआ, कितने भी एंगल में डिफाइंड करना हुआ, आप उस एंगल पे इसको मोड़ सकते हैं। ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाए, छोटी मोटी इंस्ट्रूमेंट आपको जैसे हथौड़ी हो गया, सी क्लैंप हो गया, ड्रिल हो गया आपका, पंच हो गया, कुछ कटर वगैरह हो गए, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे इनके पास ऐसे आइटम है, क्योंकि रनिंग कंडीशन में जब कोई चीज़ रहती है तो ऐसा ही होता है।
जहाँ पर आपको एक बार में काफ़ी सारा सामान इकट्ठा देखने को मिल जाता है। अब मुद्दे वाली बात ये भी करेंगे कि प्राइस कितनी है इनकी, अगर आप लेना चाह रहे हो तो ये कितने के बेच रहे हैं, आपको सूटेबल लगता है, आप लेंगे, आपको लगता है कि भाई सही है या नहीं है। तो चलिए प्राइस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अगर हमें ये सारी मशीनें एक साथ उठाते हैं तो आपको क्या लगता है कितने प्राइस में आप इसे बेचने वाले हैं? सर इसका प्राइस 2,80,000 पड़ेगा पूरा टोटल का। अच्छा, तो सारी मशीनों को 2,80,000 रुपये सारी मशीनों का, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास जितने आप दिखाएं वीडियो में, हाँ सभी मिल जाएंगे 2,80,000 में। कहने मतलब मशीनें सारी मिलेंगी इसके साथ, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपके, मतलब इस वर्कशॉप में जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, हथौड़ी, रेंच, पाना, ट्रेवल टूल टाल, जितने भी चीज़ें हैं जी जी, सारा कुछ उसी का होगा जो भैया सारी मशीनें खरीदेगा। तो मशीनें ऐसा भी है कि आप ऐसा भी करो, मान लो कोई आया सरफेस ग्राइंडर लेकर मांगने लगा उसको दोगे, कोई ड्रिल मशीन मांगने लग गया, कोई कुछ मांगने उसको अलग अलग दे सकते हो, या सिर्फ सारा मशीनें एक साथ उठवाओगे? सर हमारा तो ये पूरा वर्कशॉप ही एक ही साथ बेचेंगे। मान लीजिए कोई ये दो मशीनें खरीद लिया तो उसको दो देकर फिर तीन मशीनों के लिए मैं वेट नहीं करूँगा, इसलिए मैं जब भी बेचूँगा तब सारे एक ही साथ बेच दूँगा, चाहे जो भी एक भी पार्ट बचे हुए टूल रूम का जो जितना भी उसको फ्री में दे दिया जाएगा। 2,80,000 लेने के बाद उसको जितना सामान इसमें रहेगा सब दे दिया जाएगा। हालांकि इनका कहना बहुत अच्छी बात है, अब ये मतलब उनका सोच भी अच्छी है कि मान लो कि कोई आए बोले भैया मेरे को मिलिंग दे दो, ड्रिल मशीन दे दो, यहाँ पे सरफेस ग्राइंडर दे दो, बाकी मशीनें मैं नहीं लूँगा, और कोई लेगा तो अब इनको क्या करना, दो मशीनें बेच के उनका इंतजार करना पड़ेगा यार, कोई और कस्टमर आए तो इनके लिए दिक्कत वाली बात है ना, तो इनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये चाहते हैं कि सारी मशीनें एक साथ उठ जाएँ, जिसको भी लेना सारी मशीनें ले जाए, सारा इंस्ट्रूमेंट ले जाए, सारा टूल ले जाए, यानी कि एक बार में इनका जो रेंट पे है, रेंट पे ना जी, ये जो इनका रेंट पे है ये अपने का पूरा सेट खाली हो जाए, ऐसा ना हो कि इनको इंतजार करना पड़े 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, कोई अलग अलग करके ले जाए, एक साथ जिसको भी ले जाना है। मैं इनका नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और इनका एड्रेस भी डाल दूंगा, ये राजीव कॉलोनी फरीदाबाद से हैं, आप यहां से आके विजिट कर सकते हैं, अपने आप देख सकते हैं, अगर आपको सही लगता है आप ले जा सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और मैं करना चाहूँगा, ये मशीन जो आपने बनाई है ऑटोमेटिक, अगर इसे वैसे अगर आप बेच रहे थे इससे पहले कितने रुपये तक का बेच रहे थे? सर इसका प्राइस 70,000 है। अच्छा 70,000 रुपये इसका प्राइस है, उस हिसाब से देखा जाए तो आपको मतलब सही रेट में मिल सकता है, जैसे 70,000 रुपये में पहले बेच लेते, अब इसका मतलब रेट तो कम ही पड़ गया होगा, जब इन्होंने राउंड फिगर में सबका लिया है, लेथ मशीन है, सरफेस ग्राइंडर है, मिलिंग मशीन है, ड्रिल मशीन है, यहाँ पर आपको बफिंग ग्राइंडर मिल जाता है, चैन पुल्ली मिल जाती है, और भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, वायर है, MCB है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है इस तरीके देखा जाए। अब आपको ये जज करना है कि क्या आपको इस प्राइस में ये चीज़ें सूटेबल लगती हैं, अगर सूटेबल लगती हैं तो आप लोग ले सकते हैं, अगर आपको और अच्छे से जानना है तो इनसे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके एड्रेस पर आके विजिट कर सकते हैं, अगर देखने में आपको सब कुछ सही लगता है तो आप ले सकते हैं, बाकी ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसा लगता है, आपको लोग जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी करिएगा। दोस्तों ये है हैंड ग्राइंडर जो कि आपको इसी प्राइस में, जो सेम प्राइस बताई गई उसी प्राइस के अंदर आपको ये हैंड ग्राइंडर भी मिलने वाला है, जो कि अभी कोई ले गया था, अभी ला के देकर गए हैं, हैंड ग्राइंडर भी आपको इसी के अंदर मिलेगा, ऑलमोस्ट छोटे बड़े करके काफ़ी सारा सामान आपको पूरा पूरा टूल रूम का पूरा पूरा सामान एक बार मिल जाता है। एक बार फटाफट सब मशीनों पर नज़र डलवा दो, फिर उसके बाद हम वीडियो को करेंगे क्लोज और फिर देखते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को मशीनें चाहिए एड्रेस मिल जाएगा, एड्रेस पर आकर आप विजिट करिएगा, आपको सही लगता है तो ले जाइएगा, जो कुछ हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा मेन मकसद था आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी शेयर करना, और उम्मीद करूंगा कि अगर आप लोगों को स्टार्टअप करना है तो शायद बेस्ट प्राइस हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जय हिंद जय भारत। DA टूल रूम फैमिली, ये कॉन्टैक्ट नंबर ओनर का है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है शायद ये एक एक मशीनें अलग अलग करके भी बेच दें, किसी को एक दो मशीनों की रिक्वायरमेंट हो तो एक दो मशीनें भी खरीद सकते हैं, सैंपल सा फंडा है, कॉन्टैक्ट करके आप पूरी डिटेल इनसे ले सकते हो। दूसरी बात, अब मैंने मशीनों के बारे में आपको जानकारी शेयर कर दी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लीजिएगा, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं मेरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपने हिसाब से आओगे देखोगे अच्छा लगेगा समझ में आएगा तो आप लीजिएगा, नहीं समझ में आता तो मत लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी शेयर करना था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।